नमस्कार, मैं उपेन यादव। दोस्तों, कुछ भर्तियों के लेकर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, जो प्रदेश के जो बेरोजगार हैं इंतजार कर रहे हैं, तक ये वीडियो पूछे। एक तो अयन भर्ती का जो बजट में रूल संशोधन हुआ है, उसको लेकर लोगों में इंतजार था कि अब हमारा परिणाम कब आएगा। तो दोस्तों, जो रूल संशोधन कैबिनेट में उनको अनुमोदन अप्रूवल तो मिल चुकी है, लेकिन अभी तक के वो फाइल कार्यवाहक नहीं पूछी है। कार्यवाहक के अधिकारियों से मेरी बात हुई है, आपका जो प्रतिनिधि मंडल प्रदीप के नेतृत्व में मेरे पास आया है और मैंने बात की है कार्यवाहक के अधिकारी, तो उन्होंने कहा कि अभी तक कैबिनेट में तो वो संशोधन तो हो चुका, अनुमोदन हो चुका है, लेकिन वो वहां से वो फाइल हमारे पास नहीं आई है। जैसी वो फाइल वहां पूछेगी, उसके उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से जो पूरी तैयारियां हैं, जो हमारी नोट शीट बिल्कुल तैयार है, वहां से आने के बाद राज्यपाल के साइन भी कुछ घंटों में या एक दिन में हो जाएंगे, उसके बाद हमारी नोट शीट तैयार है, हम अधिसूचना जारी कर देंगे। और दोस्तों, इसके अलावा अधिसूचना जारी होने के बाद जो कोर्ट में जो आपकी भर्ती प्रक्रिया को लेकर इश्ते है, रोक है, क्योंकि अब उसकी तारीख 4 तारीख बता रहे हैं, जो नेट साइट पे दिखा रखे हैं। जब मेरी खुद सरकारी एडवोकेट साहब से मेरी बात हुई, उनसे मैंने निवेदन किया कि अब अगले वीक में इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी, क्योंकि अभी तक वो फाइल नहीं गई, तो मुझे नहीं लगता आज फाइल जाएगी तो राज्यपाल के भी जाएगी तो इस वीक में हो पाएगी। ऐसे में अगले वीक में आपकी अधिसूचना जारी हो पाएगी, और वो अधिसूचना जारी होने के बाद उसकी कॉपी जाएगी जो आरपीएससी एडवोकेट के पास न्यायालय में, फिर वो वहां कोर्ट में पुट अप करेंगे, बताएंगे कि हमने रूल्स में संशोधन कर दिया, भर्ती प्रक्रिया इसके हटाया जाए। ऐसे में साथियों, आपसे ये न्यूज है कि 4 मार्च बहुत दूर है, लेकिन हमने निवेदन किया है, प्रयास कर रहे हैं कि वो प्रार्थना पत्र लगाए कि समस्या का निस्तारण हो चुका है और हमारी इस भर्ती प्रक्रिया से रोक हटाई जाए। तो हमें विश्वास दिलाया सरकार एडवोकेट ने, आरपीएससी के एडवोकेट ने, कि हम लोग प्रार्थना पत्र लगवाकर 4 तारीख से पहले सुनवाई करवा लेंगे। तो अयन भर्ती के लिए ये सूचना है दोस्तों, अगले वीक में ही आपकी अधिसूचना जारी हो पाएगी। फाइल नहीं आने के कारण आजकल में होने वाली थी वो नहीं हो पा रही है, और उसके बाद वहां प्रार्थना पत्र लगवाकर 4 तारीख से पहले यानी कि फरवरी में सुनवाई करवाकर आपकी स्टे हटवाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका परिणाम जल्द से जल्द जारी हो। तो दोस्तों, सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग 15 तारीख को भी हमारा जो विशाल जो धरना है वहां पड़ाव, उसमें आप 22 को पेट्रोल पंप पे 12 बजे पहुंचे। इसके अलावा दोस्तों, जो पटवारी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों, जो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि मुझे लगता है कि आपकी परीक्षा अप्रैल के बाद ही होगी, और अप्रैल के बाद भी कब होगी, अब जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा, जो 10वीं 12वीं की परीक्षा भी मई में हो रही है, ऐसे में मई फर्स्ट वीक में हो जाए नहीं तो फिर जून में ही आपकी परीक्षा होने की संभावना है। आज मैं जो चेयरमैन साहब है उनसे मुलाकात करने जा रहा हूँ, उनसे भी आज मैं निवेदन करूंगा कि वो कैलेंडर जारी करें। बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं कि पटवारी की एग्जाम कब होगी, जेई की एग्जाम कब होगी जो रद्द करवाई गई थी, और भी भर्ती परीक्षा की विज्ञप्तियों को लेकर लोग इंतजार कर रहे हैं। तो साथियों, आप लोगों के लिए यही है मेरे हिसाब से, जो जहां तक मैंने बात भी की थी, कल भी जाकर आया था, तो ये लग रहा है कि अप्रैल के बाद ही आपकी एग्जाम होगी। अप्रैल के बाद मई के फर्स्ट वीक में होगी, जून में होगी या जुलाई में होगी, ये पता करना है। ये बात मैं आज ही रखूंगा कि जल्द से जल्द आपकी परीक्षा तिथि का कैलेंडर जारी हो। दोस्तों, एक चीज और बता दूं, ये तो निश्चित है कि 15 तारीख को हम बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, और 15 तारीख से पहले हमने चुनौती भी दी है और चेतावनी भी दी है कि 15 तारीख से पहले अधीनस्थ बोर्ड को भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करना चाहिए, विज्ञप्ति जारी करनी चाहिए, जो नई भर्तियों की विज्ञप्ति आए, अन्यथा हम 15 तारीख को आंदोलन करेंगे, हो सके तो हमारे अभ्यर्थी अधीनस्थ बोर्ड भी पहुंच जाए। तो ये एक चुनौती है, चेतावनी है अधीनस्थ बोर्ड को भी, क्योंकि आज बेरोजगार अवसाद में है, कब उसकी विज्ञप्ति जारी होगी, कब परिणाम जारी होगी, कब वेटिंग सूची जारी होगी। पीटीआई भर्ती की एक और सूची का प्रतीक्षा सूची का इंतजार कर रहे हैं, प्रयोगशाला सहायक की प्रतीक्षा सूची का इंतजार कर रहे हैं, लाइब्रेरियन और जेई डिप्लोमा का जो विवाद चला है, इस जल्द से जल्द रिपोर्ट आए, क्योंकि चेयरमैन साहब कहे ना उनको कि जल्द से जल्द रिपोर्ट दो, उसके बाद जो भी फैसला हो तो वो भी लोग इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, मेरे प्रदेश के तमाम बेरोजगारों से यही कहना चाहूंगा कि जो इंतजार कर रहे हैं कि जहां तक हमारी जो मांग उठाई है बेरोजगार समाज कार्यक्रम के तहत, हमारी मांगे माननीय मुख्यमंत्री तक गई है, उन्होंने इस संबंध में मीटिंग ली अधिकारियों ने, और जो लोग मेरे पास कई लोग मैसेज आते हैं, कई बेरोजगार है, हम तैयारी किसी कर रहे हैं, तो उन साथियों से कहना चाहूंगा कि आप अविलंब अति शीघ्र आप लोग ग्राम सेवक की तैयारी में लग जाओ। हमने मांग की थी पदों की संख्या बढ़ाई जाए, और मुझे पूरा विश्वास है पदों की संख्या जो 2500 के करीब बताई जाती वो 3500-4000 तक पहुंच सकती है, ज्यादा हो सकती है, हमारी मांग सरकार मानेगी तो पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी, और विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो। हमारी मांग है कि विज्ञप्ति जल्द से जल्द 2-3 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन यानी कि जल्द से जल्द जारी हो, यानी कि 15 तारीख को बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, तो जल्द से जल्द ग्राम सेवक की विज्ञप्ति जारी हो, फायरमैन सेफ्टी ऑफिसर की विज्ञप्ति जारी हो,
एएल जैन की डीएलबी की जो वैकेंसी की विज्ञप्ति जारी हो, टीआरए की जो अधीनस्थ बोर्ड में जो विज्ञप्तियां हैं कि भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी हो और उनका कैलेंडर जारी होना चाहिए। सबसे बड़ी मांग है अधीनस्थ बोर्ड भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करे। तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए छोटा सा वीडियो के मैसेज से मैं ये देना चाहूंगा कि आप लोग इन भर्तियों की तैयारी करें, इनकी विज्ञप्तियां जल्द आएगी। हम लगातार प्रेशर बना रहे, दबाव बना रहे, आईपीएससी में भी जो आईएएस भर्ती सहित और भी भर्तियों की विज्ञप्तियों के लिए प्रयास करें। और दोस्तों जो 15 तारीख को हमने जो शांतिपूर्वक धरने का आह्वान किया है उसमें तो तमाम लंबित भर्तियां हैं, नई भर्तियां, जो मांग पत्र में तमाम मांगे हैं, क्योंकि अब लंबा वीडियो नहीं बना रहा, तमाम मांगों का मैं जिक्र नहीं कर सकता, कल लाइव में आप लोगों को बता दिया था। उन तमाम मांगों को लेकर हम लोग 15 फरवरी को एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन, एक मापड़ा डाले, सब लोग ज्यादा से संख्या में पूछे। वैसे यही है कि एएम के लिए मैं बता चुका हूँ और जो तमाम ये चीज है जल्दी कैलेंडर जारी होगा, जल्दी नई भर्तियों की आपको खुशखबरी मिलेगी, आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाए। जय हिंद, जय भारत।